प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग पढ़ रहे थे यण संधि। यण संधि में हम लोग उदाहरण काफ़ी पढ़ लिए थे, तो कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द। तो अधि उपसर्ग से जो निर्मित शब्द हैं उसमें भी यण संधि होता है, और अधि उपसर्ग में जब यण संधि होता है तो इस ये अध्य बनता है शब्द, क्योंकि देखिए अधि पर जो ई की मात्रा लगी हुई है तो ई से बन जाएगा या, तो ये धा हमारा आधा हो जाता है। जैसे क्या शब्द है, अधि प्लस आपक बराबर अध्यापक हो गया है, ई से बन गया है या, है ना। और या हमारा हलंत रहता है, यण प्रत्याहार में जो या वा रा ला रहते हैं ये सब हलंत रहते हैं। और आगे जब ये आ दीर्घ आ मिला है तो ये अध्यापक शब्द बन गया है। और उदाहरण देखते हैं, अधि का जो अर्थ होता है वो होता है उच्च होता है। तो और उदाहरण देख रहे हैं कि शब्द दिया है अधि प्लस अयन। अधि प्लस अयन से क्या बनेगा, अध्ययन बनेगा। ई हमारा किस में बदलेगा, बदला है या में बदला है, ये इस या में बदला है। और ये जो आ है इस आ में आया तो ये या पूरा हो गया है, मतलब स्वर सहित तो हो गया है। उसी प्रकार अधि प्लस आय बराबर क्या हुआ है, अध्याय हुआ है। ई का बन गया है या, तो धा हमारा हो गया है आधा, और इधर दीर्घ आ है तो ये अध्याय शब्द बन गया। उसी प्रकार अधि प्लस एता बराबर क्या हुआ है, अध्येता हुआ है ना। अधि प्लस एता बराबर अध्येता हुआ है। देखो, ई निकाल कर हमने इया बना लिया है, और या पर ये स्वर लग गया है। फिर उसके बाद क्या शब्द है, अधि प्लस अवसाय है। अधि प्लस अवसाय बराबर क्या हुआ है, अध्यावसाय हुआ है। अधि प्लस अवसाय बराबर अध्यावसाय हुआ है। तो फिर देखिए, शब्द दिया गया है प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द। तो प्रति उपसर्ग से जो निर्मित शब्द हैं, जब हम देखो इस ई का जब या बनाएंगे तो ता हमारा आधा हो गया है, और या ई से या हो गया है, या पर देखिए हलंत लगा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द में यण संधि है, और इसका जो स्वरूप होता है वो प्रति इस प्रकार से होगा। देखिए, शब्द है प्रति प्लस आशा बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्याशा हो जाएगा। भाई, ता का ई निकल गया है और उसका या बन गया है, आगे आ दीर्घ आ है तो ये प्रत्याशा हो गया। प्रति प्लस आवर्तन से क्या हुआ है, प्रत्यावर्तन हुआ है, मतलब इसका अर्थ होता है बार बार लौटना। प्रति प्लस अंतर क्या हो जाएगा, प्रत्यंतर हो जाएगा। ई का या बन गया, ता आधा हो गया, और आगे अंतर, यहाँ या पर अनुस्वार ता और रा से प्रत्यंतर हो गया। फिर देखिए, प्रति प्लस अपकार बराबर क्या बनेगा, प्रत्यापकार बनेगा, है ना। अपकार के बदले अपकार वही होता है, प्रत्यापकार होता है। प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार क्या बनेगा, प्रत्युपकार बनेगा। ती का बन गया है या, अब आगे ऊ है तो या पर ऊ की मात्रा लग गई है, और ई का या बना है तो ता वो आधा हो गया है। फिर देखिए, शब्द दिया गया है अभी उपसर्ग से बने हुए शब्द। तो यहाँ देखिए कि अभी उपसर्ग से जो बने हुए शब्द हैं, जब उसमें यण संधि हुआ है तो अभ्य बनता है ना। या हलंत है, आधा भा इस तरह बन जाएगा। भाई, जो इसमें भा में ई स्वर लगा हुआ है उसी का या बना हुआ है। सूत्र आपको याद ही है, यण संधि का सूत्र क्या है बताइए। यण संधि का सूत्र है इको यणचि, है ना। इको यणचि में इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है। तो असूत्र क्या कहता है कि इक के बाद में अच आएगा तो यण हो जाएगा, मतलब कोई भी असमान स्वर आएगा। अच में सभी स्वर आते हैं, लेकिन
कहने का अर्थ है कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर आ सकता है। ये सारी बातें आप यण संधि के भाग एक भाग दो में भली प्रकार सब पढ़ चुके हैं। आगे बहुत सारे उदाहरण थे तो हमने कहा कुछ ऐसे कॉपी से ही पढ़ा दें। तो देखिए अब उपसर्ग से शब्द जो बने हैं, तो मान लीजिए शब्द है देखिए अभ्यर्थना, है ना, अभ्यर्थना है। तो हमने क्या कहा था कि शब्द में आपको या देखना है, वा देखना है और या के आगे आधा व्यंजन देखना है। अगर हमको संधि तोड़ना बिल्कुल नहीं आता है तो वहाँ ध्यान दीजिए, बाकी तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हो तो ये सब तो अब आसान ही हो गया है आप सबके लिए। देखिए कि भाई अभ्यर्थना शब्द है तो हम यहाँ या को देख रहे हैं और जान रहे हैं कि यह हमारा कैसे बना है, इधर ई होना चाहिए, इधर कोई भी स्वर होना चाहिए। तो और आधा जो व्यंजन या के आगे जो आधा व्यंजन रहेगा या वा के आगे आधा व्यंजन रहेगा तो जो मात्रा लगती है उसे आधे व्यंजन पर लगती है। तो इसी भाव पर हम जब लगा देंगे ई की मात्रा तो ये हो जाएगा अभी, जैसे यहाँ पर हुआ है। और भाई जब ई लिख देंगे तो या नहीं लिखेंगे, तो या को हम हटा देंगे तो या में जो आ है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अर्थना। अभी प्लस अर्थना बराबर क्या हो जाएगा, अभ्यर्थना हो जाएगा। अभ्युत्थान क्या होगा भैया, अभी प्लस उत्थान हो जाएगा, है ना। अभ्यास का क्या होगा, अभी प्लस आस हो जाएगा। उसी प्रकार अभ्यंतर का अभी प्लस अंतर हो जाएगा। अभ्यर्थी का अभी प्लस अर्थी हो जाएगा। देखिए जो परि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, है ना, तो वो जब यण संधि में उनका रूप कैसे होता है, परि होगा। भाई रा हमारा आधा हो जाएगा, और जब रा आधा रहता है मतलब स्वर रहित रहता है तो वो जिस व्यंजन के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार रा पर या पर ही रा लिख दिया जाता है। तो देखिए कि क्या शब्द दिया है, परि प्लस अंक, है ना। परि प्लस अंक से क्या बना है, पर्यंक बना है। ई का या बन गया और आधा हो गया तो या के ऊपर लग गया, और इधर अंक का ये अन इस पर और का हो गया। परि प्लस अवेक्षण क्या हो जाएगा, परिवेक्षण हो गया है। उसी प्रकार परि प्लस आप्त बराबर पर्याप्त, आप्त का अर्थ है होना। परि प्लस उष्ण, परि प्लस उष्ण बराबर क्या हो जाएगा, पर्युषण हो जाएगा, है ना। परि प्लस अटन पर्यटन हो जाएगा, अटन का अर्थ होता है भ्रमण, तो ये हो जाएगा पर्यटन। परि मतलब चारों ओर, और परि प्लस अटक बराबर पर्यटक हो जाता है, है ना। और परि प्लस अवशान बराबर क्या हो जाएगा, पर्युषान हो जाएगा। अब देखिए कि बी उपसर्ग से बने हुए शब्द में जब यण संधि हुआ है तो वा ऐसे आधा हो जाएगा और उसका या बनेगा, है ना। सूत्र आप पढ़ ही चुके हो कि ई के बाद में जब कोई भी असमान स्वर आएगा तो उसका यण हो जाएगा। और क्या इसमें देखे थे कि ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आएगा तो या हो जाएगा, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वा हो जाएगा, और री या दीर्घ री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो रा हो जाएगा, ल री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ला हो जाएगा। तो और शब्द देख रहे हैं बी उपसर्ग से बने हुए शब्द, तो देखते हैं कि जैसे क्या दिया गया है, बी प्लस आश, बी प्लस आश क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, है ना। बी प्लस आश ई का बन गया या तो हमारा वाधा हो गया, और आगे आश से मिलकर ये दीर्घ स्वर इसमें दीर्घ आ हो गया है। तो फिर क्या शब्द दिया गया है, बी प्लस आकरण बराबर क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। अभी देखो ऐसे पढ़ने से आप उपसर्ग भी पढ़ रहे हैं और यण संधि भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है तो पढ़ लीजिए, इससे दो दो टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है। देखिए क्या दिया गया है, बी प्लस ऊह,
है ना, तो क्या हो जाएगा, ई का या बन जाएगा, वा आधा हो जाएगा और उसी या पर बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। बी प्लस अवहार बराबर क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। बी प्लस आख्यान बराबर क्या हो जाएगा, व्याख्यान हो जाएगा। बी प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना कि अब इसमें जो वा में ई है इसका या बन गया है और ये वा आधा हो गया है और या हमारा हलंत रहता है और उसमें जब आ स्वर मिला है तो या इस प्रकार हो गया है और आगे यही था और आधा रहा, व्यर्थ हो गया है। अब देखा जाए तो ये आपका इक है ना, इक प्रत्याहार का ई है और ये कोई असमान स्वर है और ये यण प्रत्याहार है। भाई इधर ई के बाद में कोई असमान स्वर आया है तो यह हुआ है। बीच बीच में हम आपको बार बार इसका सूत्र बताते हैं ताकि आपको भली प्रकार याद रहे, भूले ना आप। आगे देखिए शब्द क्या है, बी प्लस अक्ति है ना, बी प्लस अक्ति से क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। और बी प्लस अष्टि बराबर व्यष्टि हो गया है। बी प्लस अवधान बराबर क्या हुआ है, व्यवधान हो गया है। बी प्लस अवसाय बराबर व्यवसाय हो गया है। देखिए आगे दिया गया है नी उपसर्ग से बने हुए शब्द, देखिए यहाँ पर कि नी प्लस आस बराबर क्या होगा, न्यास हो जाएगा। और नी प्लस आय बराबर क्या होगा, न्याय होगा। अब ई का या बनेगा तो ना हमारा देखो आधा हो गया है और या में यही दीर्घ आ लगकर या इस तरह हो गया है। नी प्लस आय बराबर न्याय हुआ है। नी प्लस ऊन बराबर न्यून हो गया है। और नी प्लस अस्त बराबर क्या हुआ है, न्यस्त हुआ है ना। नी प्लस अस्त बराबर न्यस्त हो गया है। तो इसमें देखा जाए कि अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं तो जिसमें से ये नी उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि न्यून शब्द में है ना, न्यून शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप अगर इसको यण संधि में जब तोड़ लेंगे तो इसमें निकाल भी लेंगे कि नी उपसर्ग लगा हुआ है। न्याय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो नी उपसर्ग लगा है। न्यास में कौन सा उपसर्ग लगा है, नी उपसर्ग लगा हुआ है। और इधर जितने शब्द हैं जैसे व्यास हो गया, व्याकरण हो गया, व्यू हो गया, व्यवहार हो गया, व्याख्यान हो गया, व्यर्थ हो गया, व्यक्ति हो गया, व्यष्टि हो गया, व्यवधान हो गया, व्यवसाय हो गया, इसमें सबसे पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है तो आप इसमें भी उपसर्ग बता सकते हैं। और किस संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए परि उपसर्ग से जो बने हुए शब्द हैं, जिसमें आपसे अगर पूछा जाए कि पर्यंक शब्द हो गया या पर्यवेक्षण शब्द हो गया, पर्याप्त हो गया और पर्युषण हो गया, पर्यटन हो गया, पर्यटक, पर्योषाओ में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें परि उपसर्ग है। आइए और देखते हैं अति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, जैसे दिया है अति प्लस अल्प क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा है ना। अति प्लस उष्ण बराबर क्या होगा, अतियुष्ण हो जाएगा। अति प्लस उक्ति बराबर अतियुक्ति हो जाएगा। अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि अत्यल्प में या अतियुष्ण में या अतियुक्त में या अत्यावश्यक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता सकते हैं कि अति उपसर्ग है। और किस संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण है। शब्द दिया है क्या, देखिए कि सस्य प्लस अंतरण है ना, सस्य प्लस अंतरण,
तो इस ई का या बन जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, ये शस्यंतरण हो जाएगा। ये देखिए ई का या बन गया है, तो जो शस्य का में ई है तो ई का या बना है, तो ये जो सा है ये आधा हो गया है, है ना। तो शब्द बन गया शस्यंतरण हो गया। उसके बाद देखिए मत्ति प्लस अनुसार क्या हुआ है, मत्य अनुसार हुआ है ना। ता आधा हो गया, ई का या बन गया, तो ये मत्य अनुसार हो गया। फिर उसके बाद दिया है त्रि प्लस अक्षर है ना, तो त्रा हो गया इधर, ई का या बन गया, त्र्यक्षर शब्द हो गया। शब्द क्या दिया गया है कि जाति प्लस अभिमान है ना, तो जात्याभिमान शब्द बन गया। ता हमारा आधा हो जाएगा, ई का हमने देखिए यहाँ पर या बना लिया है और ये आ इसमें आ गया है या में, या हलंत था तो अभिमान जात्याभिमान हो गया शब्द। ये तो बहुत चर्चित उदाहरण है, यदि प्लस आप बराबर यद्यपि हो गया है, और द्यवि प्लस अर्थी बराबर है ना, द्यव्यर्थी हो गया है, भाई वह आधा हो गया, ई का या बन गया तो द्यव्यर्थी हो गया। उसके बाद शब्द है अग्नि प्लस आशय है ना, अग्नि प्लस आशय तो क्या हो गया, अग्नियाशय हो गया। आधा गा ये तो है ही, ना भी आधा हो जाता है, ई का या बन जाएगा और या आश्वर से मिलकर अग्नियाशय हो गया है। ध्वनि प्लस आत्मक से क्या होगा, ध्वन्यात्मक हो जाएगा। और ऊपर प्लस उक्त बराबर उपर्युक्त होगा है ना। ये शब्द वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो उपरोक्त शब्द अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसको यण संधि में तोड़ेंगे तो ये सही नहीं होगा, अशुद्ध हो जाएगा। और यण संधि में ये ऊपर प्लस उक्त शुद्ध होता है। शब्द दिया है आदि प्लस उपांत है ना, तो आद्युपांत हो जाएगा, भाई दा आधा हो गया और जो ई है उसका या बन गया, अब आगे ऊ है तो या पर ऊ की मात्रा लग गई, तो आद्युपांत शब्द बन गया। उसके बाद शब्द दिया है कि प्रत्यर्पण दिया है ना। अब इसको तोड़ना है, अब आप लोग बताइए कि इसको कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ हम या को देख रहे हैं, और जब इधर या हुआ है तो इधर ई होना चाहिए, और ई या के आगे जो आधा व्यंजन है तो ई जो हमारा स्वर लगता है उसी आधे व्यंजन पर लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि ये कैसे टूटेगा। प्रति प्लस अर्पण है ना, प्रति ये ता में ई लग जाएगा, और उसी ई नहीं है इसलिए या है, और या में क्या है, आस्वर है ना। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, मतलब या को हटाएंगे, ई को यहाँ लाएंगे, और इधर कोई भी आसमान स्वर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अर्पण हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, प्रति प्लस अर्पण है ना। उसी प्रकार जैसे दिया गया है, ये क्या कहते हैं कि नद्यर्पण है ना, तो क्या हो जाएगा, नदी प्लस अर्पण, क्या होगा, नदी, नदी नहीं होगा, नदी बड़ी की मात्रा शुद्ध होता है, लिख लीजिए नदी प्लस अर्पण, नदी। अदा का जो ई है वही जाके या में बदला हुआ है, अब आगे अर्पण का आ मिलकर शब्द क्या बन गया, नद्यर्पण बन गया। शब्द क्या दिया गया है, नार्युचित दिया गया है, नार्युचित। अब यहाँ या देखिए, हमने कहा था या के आगे आधा व्यंजन देखिए, तो या के आगे आधा व्यंजन क्या है, यही रा आपका आधा व्यंजन है, तो ई की मात्रा जो लगेगी वो इसी रा पर लगेगी, तो क्या हो जाएगा, नारी प्लस उचित तो हो जाएगा। यहाँ या में ऊ की मात्रा लगी है तो इधर ये उचित तो हो जाएगा, लिख लीजिए नारी प्लस उचित, नारी प्लस उचित। फिर उसके बाद महियाधार शब्द दिया है, महियाधार को अब कैसे तोड़ेंगे, आप लोग तोड़िए, पहले आप लोग तोड़ लीजिए फिर हम बताते हैं। देखिए ये जो हा है इसी पे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे है ना, मही मही, और या में जो दीर्घ आ है तो ये हो जाएगा आधार, मही प्लस आधार, लिख लीजिए मही प्लस आधार।
उसके बाद मही प्लस आधार क्या हो जाएगा, महियाधार हो जाएगा। शब्द दिया गया है वाण्यो चित्त, है ना, वाण्यो चित्त दिया गया है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, या है, है ना, या के आगे आधा व्यंजन है तो ई की मात्रा इसी आधे व्यंजन पर लगेगी, तो ये हो जाएगा वाणी, है ना, वाणी। और प्लस यहाँ पर ये या पर औ की मात्रा है तो औचित्य, वाणी प्लस औचित्य लिख लीजिए, वाणी प्लस औचित्य। फिर क्या शब्द दिया गया है, देखिए कि अन उपसर्ग से बने हुए शब्द दिए गए हैं, है ना, अन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, तो क्या हो जाएगा, अन प्लस एशक बराबर क्या होगा, अन्वेषक हो जाएगा, है ना। देखो जब यहाँ पर ऊ रहेगा, अभी तक तो आप देख रहे थे ई के शब्द देख रहे थे, लेकिन देखिए ना पर जब ऊ की मात्रा लगेगी तो ऊ हमारा किस में बदलेगा, वा में बदलेगा, है ना, या में नहीं बदलेगा, ऊ हमारा वा में बदलेगा। तो ना आधा हो गया और ऊ जो था ये वा में बदला, अब आगे एशक का ए लग गया तो हो गया अन्वेषक हो गया। शब्द है अनु प्लस आय बराबर क्या होगा, अन्वय होगा, और अनु प्लस इति बराबर क्या होगा, अन्विति होगा, है ना, अनु प्लस इति बराबर अन्विति होगा। भाई ना जो था उसमें से हम ऊ को निकाल लेंगे, ना हमारा आधा हो जाएगा, और ऊ से हमने वा बना लिया है, वा हमारा हलंत है, और आगे शब्द क्या दिया है, इति दिया हुआ है, तो वा पर हम छोटे ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ छोटे ई की मात्रा लगा दिए हैं, और ये ति तो ये अन्वित हो गया। फिर शब्द दिया है अनु प्लस इच्छा बराबर क्या होगा, अन्विच्छा होगा, है ना, हो जाएगा ना, दीर्घ ई यहाँ वास में मिलेगा तो ये विच्छा हो गया, और ई से सॉरी ई नहीं ऊ से वा बनाया है हमने, है ना, तो ये हमारा ना आधा हो गया है। फिर देखिए कि सुपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, तो जिसमें शब्द है सु प्लस अल्प बराबर क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा, है ना, सु प्लस अच्छ बराबर क्या होगा, स्वच्छ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि जब ऊ निकालेंगे तो शायद देखिए आधा हो गया है, और उसके बाद ऊ से क्या बना है, वा बना है, है ना, ऊ के स्थान पर वा आया है, अब आगे इसमें अल्प जुड़ गया है तो ये स्वल्प बन गया है, और सु प्लस अच्छ उसी तरह स्वच्छ बन गया है, और सु प्लस आगत है ना तो हो गया है स्वागत, सु प्लस आगत हो गया है स्वागत, ठीक, सु प्लस अस्ति बराबर क्या हो जाएगा, स्वस्ति हो जाएगा, सु प्लस अस्ति बराबर स्वस्ति हो जाएगा। और इसमें जब का प्रत्यय जुड़ता है तब ये हो जाता है स्वास्तिक हो जाता है, स्वास्तिक, इसमें ये स्वास्तिक मतलब नियम के अनुसार तो जब का प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है तो इधर जो पहला स्वर रहता है वो दीर्घ हो जाता है, है ना, इक प्रत्यय में दीर्घ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर का प्रत्यय में दीर्घ नहीं होगा, इसलिए स्वास्तिक नहीं होगा या शुद्ध हो जाएगा, स्वास्तिक ही होगा। और इस ये हाँ कुछ लोग इसको जो ये स्वागत है तो इसको तोड़ देते हैं दीर्घ संधि में, स्व प्लस आगत में तोड़ देते हैं, है ना, समझ नहीं पाते हैं, स्व प्लस आगत करते हैं, तो स्व प्लस आगत करने से टूट तो जाएगा भाई, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, दोनों मिलकर दीर्घ आ, लेकिन इसका अर्थ देखिए क्या होगा, स्व का अर्थ होता है अपना, मतलब खुद ही, स्वयं ही, आगत मतलब आना, है ना, कि इसका अर्थ क्या निकलेगा कि खुद ही आ गए, है ना, तो ये जबकि स्वागत का अर्थ होता है किसी के आने पर उसका जो अवभगत किया जाता है वो अर्थ होता है, खुद ही आना स्वागत का अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। तो जो लोग इसको दीर्घ संधि में तोड़ने का भ्रम करते हैं तो वो थोड़ा ध्यान देंगे।
देखिए शब्द क्या दिया गया है, स्वावलंबन शब्द है, स्वार्थ शब्द है, स्वाध्याय शब्द है, स्वाश्रय शब्द है, स्वाक्षर शब्द है, स्वाधिकार शब्द है ना, और स्वाभिमान है और स्वाश्रित है। तो इन सभी शब्द में दीर्घ संधि हुआ है और स्वा उपसर्ग है। तो ये सब यण संधि के उदाहरण नहीं है। जब ये विच्छेद होगा तो स्वा प्लस अवलंबन में टूट जाएगा, स्वावलंबन हो जाएगा। स्वा प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। स्वा प्लस अध्याय बराबर स्वाध्याय हो जाएगा। स्वा प्लस आश्रय बराबर स्वाश्रय हो जाएगा। स्वा प्लस अक्षर बराबर स्वाक्षर हो जाएगा। स्वा प्लस अधिकार बराबर स्वाधिकार शब्द हो जाएगा। ये देखिए स्वाधिकार शब्द दिया गया है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है कि ये स्व प्लस अभिमान बराबर स्वाभिमान हो जाएगा, स्व प्लस आश्रित बराबर स्वाश्रित हो जाएगा। तो इसमें सब में दीर्घ संधि है, स्व उपसर्ग है, इसमें यण संधि नहीं हुआ है। उसके बाद शब्द क्या दिया गया है कि वो परमाणु प्लस अस्त्र है ना, परमाणु प्लस अस्त्र। तो अड़ा पर किसकी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा लगी है, तो ऊ से बन जाएगा वा, और ये अड़ा हमारा आधा हो जाएगा। और आगे अस्त्र शब्द दिया है तो ये देखिए अड़ा आधा हो गया, ऊ से वा बन गया, और इसमें अस्त्र का आ मिलकर ये बन जाएगा परमाणु अस्त्र है ना, परमाणु अस्त्र शब्द बन जाएगा। और शंकु प्लस आकार बराबर क्या हो जाएगा, शंकुआकार हो जाएगा। भाई का में ऊ की मात्रा लगी थी, ऊ से हमने वा बना लिया, और का आधा हो गया, और आकार का जब आ मिला तो ये शंकुआकार मतलब शंख की आकार वाला शंकुआकार हो जाता है। देखिए गुरु प्लस आदेश बराबर क्या होगा, गुरु आदेश होगा। तो रा पर है ऊ की मात्रा, ऊ से वा बन गया, रा आधा हो गया, तो ये जो रा है ये वा के पहले आता आएगा, तो स्वर रहित है तो उसके सिर पर चढ़ गया है ना। यही नियम है कि जो हमारा ये स्वर रहित रा होता है जिस व्यंजन के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है। तो शब्द बन गया गुरुआदेश, वा में ये आदेश का आ मिला तो ये गुरुआ शब्द बन गया, गुरुआदेश हो गया। उसी प्रकार मधु प्लस आचार बराबर क्या हुआ है, मध्वाचार हुआ है ना। समझ में तो आ रहा है कि कैसे ये ऊकावा बना है और आचार का आ मिला, ये मध्वाचार धा हमारा आधा हो गया। और क्या शब्द दिया गया है, वधु प्लस आगमन बराबर क्या होगा, वध्वागमन होगा है ना, वध्वा गमन शब्द होगा। शिशु प्लस ऐक के बराबर शिशुएक शब्द बना है, शिशु प्लस ऐक के बराबर क्या बना है, शिशुएक शब्द बना है। फिर शब्द क्या दिया गया है, ये अब री के उदाहरण देखते हैं कि यदि ह्रस्व दीर्घ री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो रा हो जाता है, यण प्रत्याहार का रा हो गया है। यदि ह्रस्व दीर्घ री के बाद में कोई असमान स्वर आया है तो इसी री के स्थान पर रा होता है। तो देखिए शब्द क्या दिया गया है कि शब्द है पितृ प्लस आदेश है ना, पितृ प्लस आदेश बराबर क्या हुआ है, पित्रादेश हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए हम अगर री को निकाल लेंगे तो ये हमारा ता आधा हो जाएगा, ताधा हो जाएगा, और री से हमने रा बनाया हुआ है, और रा के आगे जब ये दीर्घ आ है तो रा हमारा, फिर जान लीजिए कि रा हमारा फिर ये ऐसे हो गया, ये मतलब दीर्घ आ इसमें लग गया, ये हो गया। तो जो पदेन रा होता है वो स्वर सहित तो होता है तो वो नीचे लगता है, तो कहाँ लग जाएगा, ये ता में लग जाएगा, तो ये शब्द बनेगा पित्रादेश शब्द बन जाएगा है ना। त्राव ऐसे भी ता और रा से बना हुआ है। ये सब यण संधि के भाग एक में बहुत अच्छे से बताया गया है, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। जो ये वीडियो देखेंगे ये तो यण संधि का भाग तीन है, वो आप पहला और दूसरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
और जो चीज़ नहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको PDF भी दिया जाएगा और जो भी नहीं आ रहा है वह भी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बस आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए और एक छोटा सा कार्य मेरा भी कर दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए। और मैं अपने उन विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ जो कि कभी हमसे पढ़ चुके हैं या जो अभी भी पढ़ रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो वो लोग भी, आप लोगों से के द्वारा मुझे बहुत मान सम्मान मिला है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो सब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कि शब्द क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, सब तोड़कर भी आपको बताया गया है कि री से कैसे रा हुआ है और कैसे ये आधा ता फिर आधा रा फिर आगे आ मिलकर ये पित्रादेश शब्द हुआ है। तो शब्द है मातृ प्लस इच्छा, है ना। तो री का बना लेंगे रा, है ना, तो अता हमारा आधा हो जाएगा। तो ये मात्र होगा ना, मतलब ता भी आधा और रा भी आधा, और इस पे जब ईश्वर लग जाएगा तो ये मातृच्छा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार भातृ प्लस उपदेश से भ्रातृपदेश शब्द बन गया है, वही ता आधा हो जाता है पदेन, भाई रा के बाद ऊश्वर है तो ये पैर में लगेगा ये रा। अब ऐसे भी समझिए, और त्रा त्रा तो आपको याद ही होना चाहिए कि जो संयुक्त व्यंजन आपके हैं छात्रा ज्ञा और स्रा, तो किन दो व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। तो ता त्रा जो है ता और रा और प्लस ह्रस्व आ के योग से बना हुआ है। लेकिन यहाँ आप वो तो जानते ही रहिए, आप यहाँ पर यण संधि पढ़ रहे हैं तो उसकी दृष्टि से देखिए कि जो री है ना, ये जो री है ये आपका एक प्रत्याहार है और ये कोई भी आसमान स्वर अर्थात अचि है, और ये जो रा हुआ है ये आपका यण है। ठीक, तो शब्द क्या हो जाएगा, भातृ प्लस उपदेश बराबर भातृपदेश हो जाएगा, मातृ प्लस उपयोगी बराबर मातृ उपयोगी शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, पितृनुमति शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर शब्द दिया है, आप लोग इसको तोड़ कर बताइए, है ना, क्या शब्द दिया है, मात्राज्ञा शब्द दिया है। अगर मान लो ऐसे शब्द दे दें मात्राज्ञा, है ना, तो अब इसमें पूछे कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे, गलत नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं गलत करेंगे, देखिए भाई, आप लोग दीर्घ संधि पढ़ चुके हो, दीर्घ संधि में आपको दीर्घ स्वर मिलते हैं। उसके बाद गुण संधि पढ़े हो तो गुण संधि में गुण स्वर मिलते हैं। फिर वृद्धि संधि पढ़े हो, वृद्धि संधि में आपको वृद्धि स्वर मिलते हैं। अब दीर्घ स्वर आपके बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ये दीर्घ संधि में पढ़े हो। गुण संधि में पढ़े हो कि क्या मिलेगा, ए मिलेगा और ओ मिलेगा। वृद्ध संधि में आय और औ मिलेगा। तो यहाँ पर मान लो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, है ना। अब मात्राज्ञा शब्द देखे तो इसमें देखोगे तो स्वर में आपको दीर्घ स्वर दिख रहा है, तो दीर्घ स्वर दिखने से आप एक बार सोच सकते हो कि कहीं ये दीर्घ संधि तो नहीं है। तो अगर जब इसको तोड़ोगे ना तो ये कैसे टूटेगा, भाई मात्राज्ञा है तो मात्र प्लस आज्ञा में तोड़ सकते हो, है ना, इधर आज्ञा कर सकते हो, इधर मात्र कर सकते हो। तो आज्ञा तो शब्द शुद्ध हो जाएगा, लेकिन क्या आपका मात्र शब्द शुद्ध होगा, मात्र मात्र वैसे तो होता है, शब्द एक होता है, लेकिन मात्राज्ञा शब्द का अर्थ देखो कि माता की आज्ञा, है ना। तो आज्ञा तो शुद्ध हो जाएगा लेकिन मात्र शुद्ध नहीं होगा। उसको शुद्ध होने के लिए क्या होना चाहिए, मातृ होना चाहिए। और जब यहाँ पर आप मातृ करेंगे, ता पर री लगा देंगे, तब ये आपका यण संधि हो जाएगा, क्योंकि इधर भाई ये री आ गया,
है ना, री है इक प्रत्याहार का री, और इधर आज्ञा का जो आ है वो कोई भी आसमान स्वर है, और जब री के बाद कोई आसमान स्वर आएगा तो रा में बदलेगा, है ना। तो आप इसको सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो इसको आप लिखिए, हम बता रहे हैं क्या हो जाएगा, मातृ प्लस आज्ञा, है ना, मातृ प्लस ता पर क्या लगाएंगे, री लगाएंगे, जैसे ये मातृ है ऐसे लिखेंगे मातृ प्लस आज्ञा, और ये री जो है ये जाके रा में जब बदलेगा तो ये मात्राज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार शब्द दिया है पितृ प्लस एषणा, है ना, पितृषणा शब्द जो दिया है इसका विच्छेद क्या होगा, पितृ, है ना, ऐसे लिखिए पितृ प्लस एषणा, है ना, यहाँ आई नहीं करेंगे, जो स्वर रहता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसे लिखेंगे, पितृ प्लस, अब ये एषणा है ना, तो ये पितृषणा पितृ प्लस एषणा में टूट जाएगा। शब्द दिया है आद्युपांत, है ना, आद्युपांत शब्द दिया है, तो ये दो यण संधि का उदाहरण है लेकिन री का नहीं है, तो क्या हो जाएगा आप लोग कर ही लेंगे, दा हमारा आधा है तो ई की मात्रा इसी दा पर लगेगी, तो आदि प्लस उपांत हो जाता है, आद्युपांत हो जाएगा। चलिए इसको तो लिख, इसको तोड़कर दिखाइए क्या होगा, व्याकरण, है ना, क्या होगा आप लिखिए व्याकरण, बी प्लस आकरण हो जाएगा, इसी वा पर ई की मात्रा लग जाएगी या हट जाएगा, आकरण इधर हो जाएगा। अच्छा, तनवंगी शब्द दिया है, इसको तोड़िए, तनवंगी शब्द है तो ये तनु प्लस अंगी हो जाएगा, है ना, तनु मतलब पतली, पतले अंगों वाली, वही होता है तनुवंगी, ना पर ऊ की मात्रा कर देंगे तो वा हट जाएगा और आ जाएगा, अंगी आ तो है ही लेकिन मतलब यही वा के स्थान पर ऊ हो जाएगा, तनु प्लस अंगी हो जाएगा। पितृपदेश कैसे तोड़ेंगे, पितृपदेश पितृ हो जाएगा, है ना, पितृ प्लस उपदेश में टूट जाएगा, और री से रा बन गया है, आगे ऊश्वर लगकर पितृपदेश हो गया है, तो पितृ प्लस उपदेश लिख लीजिए। देखिए शब्द दिया है क्या है, मातृनुमति, है ना, मातृनुमति शब्द दिया है, तो ये हो जाएगा मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मात्राज्ञा क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा होगा, मातृ ऐसे लिखेंगे मातृ प्लस आज्ञा, पितृ ऐसे लिखेंगे पितृ प्लस एषणा, आदि प्लस उपांत, है ना, बी वी प्लस आकरण व्याकरण हो जाएगा, तनु प्लस अंगी तनुवंगी हो जाएगा, और पितृ प्लस उपदेश क्या हो जाएगा, पितृपदेश हो जाएगा, है ना। और आप सभी लोगों का ये कार्य है, जो जो इस वीडियो को देखेंगे ये सब आप शब्दों को कमेंट बॉक्स में तोड़कर आप लिखेंगे, इसका विच्छेद आपको करना है ना, इसलिए हम इसको यहाँ लिख नहीं रहे हैं। अब आप जब लिख कर लिखेंगे तब ही हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने लोगों ने लिखा है, कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है। चलिए शब्द है मातृ प्लस अनुमति, तो क्या हो जाएगा, ये मातृनुमति हो जाएगा, है ना, मातृ, ये री जो है ये रा में हो जब बदलेगा तो ये मात्र हो जाएगा, अब आगे अनुमति का आ मिलकर मातृनुमति हुआ है। फिर शब्द दिया है इति एवं, है ना, इति एवं का क्या होगा, इति प्लस एवं हो जाएगा, ता पर ई की मात्रा लग जाएगी, इति हो जाएगा, और एवं, है ना, या हट जाएगा, एवं हो जाएगा, क्या होगा, इति प्लस एवं। न्यस्त, न्यस्त शब्द दिया है, या है तो ना पर ई की मात्रा लगेगी, नी प्लस अस्त से न्यस्त हो जाएगा। प्रत्यूह, प्रत्यूह क्या हो जाएगा, प्रत्यूह हो जाएगा प्रति प्लस ऊह, है ना,
प्रति प्लस ऊह बराबर प्रत्यूह हो जाएगा। और क्या दिया है, देव्यवतरण है ना, देव्यवतरण, तो इसका हो जाएगा देवी प्लस अवतरण, देवी प्लस अवतरण। वा पर ई की मात्रा और इधर या में जो आ है तो ये अवतरण में टूट जाएगा, देवी प्लस अवतरण से क्या बनेगा भैया, देव्योतरण हो जाएगा। ठीक, एक शब्द दिया गया है, एक शब्द है लरी के, कि लरी के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है, जैसे लरी प्लस आकृति बराबर क्या हो जाएगा, लाकृति हो जाएगा। तो वैसे मैंने अधिकतम शब्दों को ले लिया है, और ये देखिए आप लोग, धन्यवाद।